पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहनावतु सहनौ पुनर्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतलाया है? एवं युञ्जन् सदा आत्मानं योगी नियतमानसः। जितना बताता हूँ उतना ही ये लगता है कि ये बताए बिना रह गया, संतोष का अनुभव नहीं होता। यूँ लगता है कि गुत्थी अभी पूरी तरह है सुलझी नहीं है, उलझी हुई है। तो नियत मानसः सन योगी, जो योगी है संयत अंतःकरण वाला हो करके आत्मानं सदा एवं युञ्जन्, अपने अंतःकरण को इस प्रकार ध्यान योग में लगाते हुए, किस प्रकार से वो पीछे बता दिया था, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परा। तो इस प्रकार से जो लगा हुआ है तो क्या कहते हैं उसके लिए, मत संस्थाम निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति। मद अधीनाम माने ऐसी शांति नहीं है, ऐसी तो आगे बतलाएंगे ही, आगे बतलाएंगे कि वो बुद्धि ग्राह्य है और अतीन्द्रिय है। तो ऐसी जो आत्मा के आश्रित, क्योंकि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद रूपः आनंद स्वरूप है। क्या है आत्मा? आनंद स्वरूप है। तो आत्मा के आश्रित, स्व आश्रित, पर आश्रित नहीं है, विषय आश्रित नहीं है, किसी दूसरे के आश्रित नहीं है। तो ऐसी मोक्ष रूप परम शांति को अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। कौन? ऐसा ध्यान योगी। ऐसा मात्र ध्यान से नहीं, ध्यान से तो मात्र चित्त का विक्षेप ही नष्ट होगा। ध्यान योग का आश्रय लेकर के और जिसने ज्ञान योग को भी प्राप्त कर लिया है, ध्यान योग का आश्रय लेकर के अपने चित्त को विक्षेप रहित कर लिया और फिर ज्ञान योग का आश्रय लेकर के जो आत्मनिष्ठ हो गया है, तो उसके लिए बतलाया है कि वो निर्वाण परमाम मत मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। तो मेरे ही आश्रित, आत्मा के ही आश्रित जो परम मोक्ष रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे देखो जी। तो किस प्रकार से ये योग सिद्ध होता है, तो उसके लिए बतलाते हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अति अस्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अस्नतः अनस्नतः
एकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः जाग्रतः न एव न च अर्जुना हे अर्जुना। इस प्रकार से संबोधित किया है। किसने संबोधित किया है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है। बीच बीच में संबोधन की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा और सचेत करने के लिए कि भाई हाँ सचेत हो जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो बतलाया जा रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बतलाई जा रही है, इसीलिए संबोधन किया है अर्जुना। सरल अंतःकरण वाला है। कैसा है? अरे सरल अंतःकरण वाला है, इसीलिए तो उपदेश का अधिकारी बन पाया। नहीं उपदेश क्यों देते हैं? जो सुनता है, सुनना चाहता है, सुनने की इच्छा पिपासा जिसके हृदय में है उसको ही लोग सुनाते हैं, और जो नहीं सुनना चाहता है उसको बिल्कुल भी नहीं सुनाते हैं। तो इसीलिए तू तो सरल बुद्धि है, इसीलिए उपदेश का पात्र बना। किसका पात्र बना? उपदेश का पात्र बना। जैसे जिस बर्तन में भरा हुआ है, हैं, उसमें कहा जाए डालो तो वो कहेगा जी तो भरा हुआ है पहले ही, तो खाली में कोई भी डाल देगा। यदि बर्तन खाली है तो उसमें क्या होता है? उसमें डल जाता है। और भरे हुए में कह जी इसमें तो पहले ही भरा हुआ है, इसमें नहीं डाला जा सकता। तो वैसे ही तो क्या कह रहे हैं? ना अत्यस्नतः, जो अत्यधिक खाना है। अस्नता माने जो भोजन की अति माने अधिक हो जाना, जो अत्यधिक जो खाने वाला है, जो अत्यधिक भोजन करता है, योग न अस्ति, उसको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। ध्यान योग, उसको भी ये ध्यान योग सिद्ध नहीं होता है। न च एकांतम अनश्नतः, और जो बिल्कुल न खाने वाला है, जो बिल्कुल भी न खाने वाला है, अपने प्राणों को व्यर्थ में ही कष्ट देता रहता है, भूखा मरता रहता है, ध्यान कहाँ है? ध्यान तो भूख में है, और इस तरह से भूखा मरता रहता है जबरदस्ती। तो उसके लिए भी कह रहे हैं एकांतम अनश्नतः योगः नास्ति, जो बिल्कुल भी न खाने वाला है उसको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। ध्यान योग या ये आत्मनिष्ठा रूप योग, क्योंकि लक्ष्य तो वही है, अंतिम तो वही है। तो इसलिए आत्मसम्मितम अन्नम अन्न परिमाणम अतित्यस्नतः इति अत्यस्नतः, जो आत्मसम्मित माने जितनी भूख हो, भूख के हिसाब से खाने वाला। किसके हिसाब से? भूख के हिसाब से भोजन ग्रहण करने वाला। तो सबकी अपनी अपनी भूख है, अलग अलग परिमाण है। जो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं तो उनको तो अधिक खाना ही चाहिए, उनको तो भूख ज़्यादा लगेगी ही। लेकिन जिनका बिल्कुल परिश्रम नहीं है शारीरिक, तो उनको तो कम ही खाना चाहिए। साधक को तो वैसे ही कम खाना चाहिए, क्योंकि भजन करने से भी तो ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा घटती है बढ़ती है? क्यों जी हैं? लोग कहते घटती है, अरोड़ा जी कह रहे बढ़ती है, हैं? सारी विचित्र बात करते हैं अरोड़ा जी। वास्तव में जैसे जैसे इंद्रिया और चित्त शांत होता है, वैसे वैसे हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
थकावट नहीं होती, उससे तो और क्या होनी चाहिए, हाँ उससे और ताजगी आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, शांति आनी चाहिए। लेकिन लोगों का जो अनुभव है वो तो विपरीत ही है। लोग कहते हैं महाराज ध्यान करने बैठते हैं तो इतना थक जाते हैं कि पूछिए मत, भजन करने बैठते हैं तो इतना थक जाते हैं पूछिए मत। तो उनसे पूछा जाए जब आप हलवा खाने बैठते हो तब इतना थक जाते हो कि पूछो मत, ऐसा। और यदि थके हुए हैं पूरी तरह, भूख लगी हुई है, शरीर शक्तिहीन है और भोजन करते ही ताकत आ जाती है ना, तो वैसे ही भजन करने से, सत्संग सुनने से, ध्यान करने से क्या आनी चाहिए, ताकत आनी चाहिए, जानी चाहिए, आनी चाहिए ना। हाँ लेकिन भेद है। भेद क्या है? भेद यही है कि जो अत्यधिक प्रयत्न कर रहा है, जो रागवान है, बाह्य पदार्थों में जो रागवान है, तो उसको अपने चित्त को बाह्य पदार्थों से हटाने के लिए प्रयत्न अधिक करना पड़ रहा है, तो उसको थकावट ही अनुभव हो, समझ जाए। जो बाह्य पदार्थों का, विषयों का चित्त में, इंद्रियों में राग है, तो उनसे अपने इंद्रियों को, चित्त को हटाने में क्या लगता है, जो प्रयत्न कर रहा है उससे परिश्रम हो रहा है, थकावट ही होगी। हाँ जिसका मन निरुद्ध हो गया, शांत हो गया, वासना रहित हो गया, तो उसको जैसे सो करके सोने के पश्चात क्या मिलती है, ताजगी, शक्ति, अनुभव होता है ना, तो वैसे ही भजन करके भी क्या मिलनी चाहिए, मिलेगी ही। किसको? जो वासना शून्य जिसका चित्त है, वासना शून्य चित्त वाले को, तो इसलिए उसका बहुत थोड़े भोजन में भी काम चलेगा। उसका क्या होगा, थोड़े भोजन में भी, क्योंकि जब खर्चा ही नहीं, कहते थे ना रामानंद जी हैं, तो गुरुजी ने पूछा कि रामानंद जी कुछ मोटे हो गए, तो कहने लगे गुरुजी खर्चा कुछ है नहीं, आमदनी आमदनी है, मतलब जो भी खा रहा हूँ थोड़ा बहुत वो तो खा ही रहा हूँ, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा ही खा रहा हूँ, लेकिन वो भी तो जमा ही हो रहा है, खर्चा तो कुछ भी नहीं है, हैं वो ही काम इसका है, उनके प्रतिचिन्ह पे चलता है ना है पूरा, कि बस आमदनी आमदनी करो, खर्चा तो करना ही नहीं चाहिए, हैं मतलब जो भी थोड़ा बहुत खाए, कह जी बहुत थोड़ा खाता, अरे वो भी फालतू ही है भाई, परिश्रम न करने वाले के लिए वो थोड़ा भी क्या है, वो भी ज़्यादा ही है। कह जी मैं तो एक ही समय खाता हूँ, वो भी तो ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ तो थोड़ा ही खाना चाहिए, शारीरिक परिश्रम ना हो। लेकिन यहाँ पर कहते बिल्कुल नहीं खाना, वो भी ठीक नहीं। तो आत्म सम्मितम अन्न परिमाणम अतीत्यस्नतः, जो अपनी भूख से अधिक खा लेता है, भोजन कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, अत्यस्नतः, अति अस्नतः, अत्यधिक खाने वाला है, क्या है ये, हाँ तो अत्यधिक खाने वाले को योगः न अस्ति, उसको ये ध्यान योग सिद्ध नहीं होता है। आत्मनिष्ठा रूप जो ये मोक्ष है, उसकी प्राप्ति उसको नहीं होती है। और इसलिए बताया भी है कि अर्धम अस्नस्य सव्यजनस्य व्यंजनस्य तृतीयमुदकस्य तु वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थम अवशेषयेत्। क्या बदलाया है कि आधे पेट को, पेट के चार भाग करो, कितने भाग करो, चार भाग करो, तो चार में से क्या कहते, आधा जो है, तो चार के आधे कितने हुए, दो। तो कहते आधा तो पेट को अन्न से पूरित करना चाहिए, कितने से, किससे, आधे पेट में, तो भोजन से पूर्ति करें।
और आधा जो है वो जल के लिए छोड़ दें। तृतीयम उदकश्यतु, आधा नहीं मतलब उसका जो आधे का आधा, आधे का जो आधा है वो किसके लिए रखें, जल के लिए रखें, और जो आधे का आधा बच गया है वो वायु के है जी। हाँ, तो आधा तो अन्न से पूरित करें और आधा जो बच गया है वो वायु के लिए और जल के लिए छोड़ करके, तो आधा ही खाना चाहिए है, जितनी भूख लगी हो उसका आधा ही खाना चाहिए। किसको? योगी को। किसको? हाँ, भोगी को भी उतना ही खाना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। भोगी को भी, योगी को भी उतना ही खाना चाहिए, योग सिद्ध होगा, भोगी को भी उतना ही खाना चाहिए, शरीर स्वस्थ होगा। तो इसलिए बतला दिया है। और ये भी आया है शतपथ ब्राह्मण में कि जो यदु हवा आत्मसम्मितम अन्नम तदवति तन्न हिंसति यद भूयो हिंसति तद्यत कनीयो न तदवति। तो कहते जो आत्मसम्मितम अन्नम तद अवति, जो भूख के हिसाब से जो खाया जाता है वो अन्न जो है वो उसकी रक्षा करता है, प्राणों की, शरीर की रक्षा करता है। तन न हिनस्ति, वो उसकी हिंसा नहीं करता है। ज़्यादा खा लो तो वो हिंसा होती है ना, ज़्यादा खा लो तो भी परेशान रहते हैं, नींद भी नहीं आती है, और कहते हैं वो हो गया एसिडिटी हो गई। और यद भूयो हिनस्ति तद्यत कनीयो न तदवति, जो कम खाता है, भोजन कम करता है, तो कम खाया हुआ भोजन भी इस शरीर की रक्षा नहीं करता है, और बल्कि तद भूयो हिनस्ति, वो एक तरह से शरीर की हिंसा ही करता है। तो अत्यधिक खाना भी हिंसा है और बिल्कुल न खाना भी हिंसा ही है। इसीलिए आत्मसम्मितम अन्ना परिमाणा, जो भूख के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर बतलाया है, नात्यस्नतः तू योगः अस्ति, तू माने किंतु, जो अत्यधिक खाने वाले हैं उनको ये योग सिद्ध नहीं होता। न च एकांतम अनस्नतः, और जो बिल्कुल ही न खाने वाले हैं उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। इसलिए भूख के परिमाण में ही खाना चाहिए, जितनी भूख है देख करके। समझ आ गया? हाँ जी, इसलिए बता दिया है, तस्माद् योगी नात्मसम्मिताद् अन्नाद् अधिकम् न्यूनम् वासनीयाद्। ये विधि हो गई है। क्या विधि हो गई है? इसलिए योगी को अपने जो भूख है उसके हिसाब से न तो अधिक खाना चाहिए और न कम ही खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए? हाँ, अपनी शक्ति के अनुरूप ही भोजन करना चाहिए, जो पच सके, जो सहजता से, हाँ, जो सुपाच्य हो, सीमित परिमाण में भी हो और साथ ही साथ क्या, सुपाच्य, तो ऐसा ही भोजन करना चाहिए। ए महाराज, इतना ही तो खाया, रसगुल्ले ही तो खाए, चार ही तो खाए थे। अरे वो चार रसगुल्ले रोटी 20 रोटी के बराबर हो गए ना? नहीं हो गए हैं, क्योंकि वो एक रसगुल्ले में जो दूध लग गया, कितना, आधी किलो दूध लग गया, नहीं, मावा जो निकला है, तो इसका मतलब आपने दूध कितना पी लिया है, 2 किलो तो दूध ही हो गया। फिर उसमें चीनी कितनी लगी है, हैं, फिर उसमें मैदा कितना लगा, मैदा वैसे ही पच कहना दे, तो कितना हो गया। अब सोचो, कहने के लिए मिठाई इतनी सी, लेकिन उसमें भारी, कितना भारी हो जाएगा वो। और फिर कहते हैं चार ही तो रसगुल्ले खाए थे, ज़्यादा थोड़े ही खाए थे। वो उनके अंदर वो बीमारी है, उनके पेट में बीमारी, यूँ रहेगा शरीर, शरीर यूँ रहता है,
और बीज खा लिए तो बीमार है। पास में से निकलो तो दुर्गंध आएगी सांस में से भी, जो अत्यधिक खाने वाले हैं ना, हाँ पास बैठाओगे तो भी दुर्गंध आएगी, पेट से ही दुर्गंध आती है, पसीने से दुर्गंध आती है। हाँ जी, तो देखो, न च अति स्वप्नशीलस्य, और जो बहुत अधिक सोने वाले हैं उनको भी ये योग सिद्ध योग नास्ति, उनको भी योग सिद्ध नहीं होता, बहुत ज़्यादा सोने वाले हैं। आई रहती है देवी, देवी की कृपा जो है वो विशेष कृपा है, हैं देवी की ज़्यादा कृपा अच्छी बात नहीं है क्या तुलसीदास, हैं देवी की कृपा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, हाँ हाँ निद्रा देवी, कौन सी देवी, हाँ निद्रा देवी, इसलिए कह रहे हैं जो अत्यधिक सोने का स्वभाव जिनका है तो उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। राजेंद्र को भी सजग कर रहे हैं, क्यों भाई तेरे लिए भी आ रही है बात है। जाग्रतः न एव च अर्जुना, जाग्रता नहीं वा योगः अस्ति, जो अत्यधिक जागने वाले हैं, तो ये बात जो किस किस के लिए हो जाएगी, ये शंभुदेव के लिए भी हो जाएगी, कुछ कुछ मेरे लिए भी हो जाएगी है? जो कम सोना है, जो कम सोने वाले हैं उनको भी ये योग सिद्ध नहीं हो, अत्यधिक जो सोने वाले हैं उनको भी योग सिद्ध नहीं होता है, और जो जागते ही जागते रहते हैं, सोते ही नहीं हैं, तो उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है, समझे। तो इसीलिए उनको ही योग सिद्ध होता है जो सीमित मात्रा में परिमाण में ही भोजन ग्रहण करते हैं, अति नहीं करते, और जो बिल्कुल भोजन करते ही नहीं उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता, और जो अत्यधिक सोते हैं उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है, और जो सोते ही नहीं हैं तो उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। ये सहज योग है, ये कैसा योग है, सहज योग है। ध्यान में बैठ के नींद आ रही है तो फिर क्या है, इससे बढ़िया ऐसा है पहले थोड़ा सा नींद को, इसकी खुमारी को उतार हैं, और फिर हाथ पैर मुंह धो के आलस्य परित्याग करके फिर बैठ, तो उससे क्या होगा, ध्यान चित्त एकाग्र होगा, और ऐसी आलस्य में बीच बीच में नींद आ रही है, बीच बीच में फिर बैठ रहा है, बीच बीच में नींद आ रही है फिर बैठ रहा है, नहीं समझ आ गया जी। तो ऐसा करने वालों को योग सिद्ध नहीं होता है। तो कैसे करने वालों को योग सिद्ध होता है, इसको आगे वाले श्लोक में बताते हैं। कैसा करने वाले को योग सिद्ध होता है उसके लिए आगे वाला श्लोक आरंभ होता है। कथम पुनर्योगो भवति इत्युच्यते, ये योग कैसे सिद्ध होता है तो उसके लिए बतलाते हैं। योक्ताहार विहारस्य योक्तचेष्टस्य कर्मसु योक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः, योगः भवति दुःखः, भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जिसका जो आहार है वो क्या है, युक्त है, जिसका आहार युक्त है, युक्त माने सीमित है, संयमित है, जिसका आहार
क्या है? युक्त है, संयमित है। और आहार आपको बताया हुआ ही है, आह्रियते इति आहारः अन्नम, जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वो क्या है? आहार में आ जाता है। तो इसलिए जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा वो सब आहार में आ जाएगा। जो जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हैं वो सब क्या है? आहारी। तो युक्त हो, क्या हो? सीमित हो, सात्विक हो। जैसे देखने की मना ही नहीं है, कोई कहता है कि आप देखो मत, कह जी मैंने तो देखना छोड़ दिया, आंखों पर पट्टी बांध ली, फिर आंखें किस लिए मिली थी? उनको दे दे जिनको जरूरत है, हैं? तो इसका मतलब क्या है? खड्डे में ना गिर जाए, ठोकर ना लग जाए, सर ना फूट जाए, हैं? तो उसके लिए क्या है, हैं? और भी चलने फिरने, लेने देने, सेवा करने और सब साधना करने के लिए, पढ़ने स्वाध्याय करने के लिए आंखें हैं। तो देखने की मनाही नहीं है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सात्विक हो। सात्विक जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, जैसे संतों के दर्शन, सदग्रंथों का स्वाध्याय, तीर्थों का, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, है, ये सब क्या है? ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है ना, सहायक है। इसीलिए ऐसे जो दर्शन है वो तो चक्षु से करने ही चाहिए। इसी प्रकार ऐसे शब्द, ऐसे कहा ना, कर्णाभ्याम भूरिविश्रुवम श्रुतम मे गोपाय, बोला है ना, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। तो क्या प्रार्थना की गई है? हम सुने, खूब सुने, लेकिन कैसा सुने? जो हमारे को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले जो वचन है वही श्रवण करें, जो हमारे को कल्याण के मार्ग से हटाने वाले जो वाक्य है, शब्द है, वे हम श्रवण ना करें। इसलिए कहा है ना, जो भी कल्याण की ओर लेकर के जाए ऐसा ही देखे, है? भद्रम पश्येम अक्षभिः, आंखों से क्या करें हम? अच्छा ही देखें, जो कल्याण के रास्ते पर ले गए। अरे कहाँ जा रहे? संत आए हैं भाई, संत के दर्शन के लिए जा रहे। बड़े ही आत्मनिष्ठ महापुरुष, बड़े सहज, बड़े सरल संत हैं, है? तो संत के दर्शन के लिए जा रहे, थोड़ी देर उनका सानिध्य, उनका सत्संग, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिलेगा। तो क्या हो रहा है? वो आंखों से हम रास्ता देखते जा रहे हैं, तो वो सफल होता जा रहा है ना, नहीं? हाँ। इसलिए ज्ञानेंद्रियों से जो भी हमारे लक्ष्य के में सहायक है, ऐसे ही विषयों का ग्रहण करना, तो उसी को क्या कह दिया है? युक्ताहार। क्या कहा है? युक्ताहार, है? संयमित जो आहार है वो ग्रहण करे। विहारस्य, और जो विहार माने पैरों से जो चलना होता है, पादक्रमः, पैरों के द्वारा जो हम कहीं आते जाते हैं विहार, ये भी क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। अधिक हो तो भी गलत, और न्यून हो तो भी गलत, कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। साधारण भाषा में बोलते हैं ना, क्या, चलो फिरो, घूमो फिरो, थको मत, क्या बोलते हैं? खाओ पियो छको मत, घूमो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, ऐसा बोलते हैं। साधारण भाषा में बोल दिया ना, साहब, खाओ पियो छको मत, इतना मत खा लो बस छक गया, थोड़ा जगह छोड़, और घूमो फिरो थको मत, इतना भी नहीं,
हाँ कि पैर थक गया, पैर बुरी तरह थक गया, मैं थक गया, कदम बढ़ाना मुश्किल, और बोलो बोलो चालो पको मत, बोलो जो उचित है, जो मर्यादित है, जो सभ्य शब्दों के द्वारा जो भी कहने योग्य है उसको कहा जाए, लेकिन ऐसे ही कुछ 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 बकते रहे हर समय, हैं अनर्गल व्यर्थ प्रलाप, हैं तो ऐसा असंबद्ध असंबद्ध प्रलाप नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कह दिया है तो विहार देखो, हैं देखो देखो भालो तको मत, तको मत। छुटी गया था भाई, हैं ये देसी ज्ञानी है, हैं देसी ज्ञानी जो है ना ग्राम के हिसाब से, तो कहते देखो भालो तको मत, तो कह देखो हैं भालो, पर ऐसे तको मत बिल्कुल, भाई तकते ही जा रहे, तकते ही जा रहे, और ये भी सब अलग अलग रहस्य है। एक संत के पास हम जाते थे, तुमने देखा होगा, तुम उनके पास जाते थे तो बस इतनी गौर से वो देखते रहते थे, जैसे कोई भी जाए पता नहीं क्या देखते थे, देखे नहीं देखे, मैं तो कई बार लेके गया हूँ, हाँ तो बस वैसे देखते रहते, तो वो भी अपनी, और बड़े आत्मनिष्ठ महात्मा थे, पर देखने की दृष्टि है ना, देखना कि अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, हैं देख क्या रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, इसका देख रहा हूँ कि भाई ये साधना में तप में चिंतन में इसके अंतःकरण की स्थिति क्या है, तो संत देखते हैं, तो ऐसे भी देखे मैंने, तो ऐसे देखते थे बिल्कुल, तो देखो जी युक्त आहार युक्त विहार, कैसा विहार भी, चलना फिरना भी क्या हो, युक्त, ना अधिक ना न्यून, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु चेष्टा, चेष्टा भी युक्तैव, और कर्मों में जो चेष्टा है वो भी क्या होनी चाहिए, युक्त ही होना चाहिए, मतलब जो कर्म है वो भी उतना ही किया जाए जिससे थकावट ना अधिक हो ना न्यून हो, है? लेकिन अज्ञानी जो होता है ना वो या तो बहुत ज़्यादा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, या तो खाएगा तो बहुत खाएगा, या तो मैं बार-बार कहता ही हूँ, चर्चा उनकी चलती है संसार में, जो अति करने वाले, अति मतलब मूर्खों की, जबकि अति की मना की है, जो कह दी वो तो 50 लड्डू रसगुल्ले खा जाता है, उसकी चर्चा करें, वो उसको तो जी 20 साल हो गए, 20 साल से तो उसने छुआ ही नहीं है, तो मूर्खों की चर्चा हुई ना, समझदारों की तो नहीं हुई, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, युक्त तो होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, तो चर्चा उनकी करेंगे जो अत्यधिक करने वाले हैं, वो कहते ऐसा नहीं करना है, तो मूर्ख व्यक्ति की यही लक्षण है, वो अति करता है, करेगा तो इतना करेगा कि पूछो मत, और किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे हथियार डालेगा कि फिर पूछो ही मत, हाँ तो ये मूर्ख का लक्षण हो गया, इसका लक्षण हो गए, तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो कर्मों में चेष्टा भी क्या होनी चाहिए, युक्त ही होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त एव स्वप्नः, सोना भी क्या होना चाहिए, युक्त ही होना चाहिए, सोना भी युक्त ही होना चाहिए, तो युक्त से ज्यादा ही हो रहा है ना, कहते 4 घंटे सोना चाहिए योगी को, और 6 घंटे सोना चाहिए भोगी को, और 8 घंटे सोना चाहिए रोगी, ऐसा हमने महात्माओं से सुना है, 4 घंटे योगी, शंभुदेव योगी नहीं है, फिजूल के योगी कह रहे हैं अभी से, हैं क्यों भाई, 4 घंटे योगी को, और 6 घंटे भोगी,
भोगी को 6 घंटे और 8 घंटे रोगी। सब कहेंगे महाराज हम तो रोगी है, क्योंकि भोगी तो कोई बनना नहीं चाहेगा, सब क्या बनना चाहेंगे, रोगी। रोगी बनना तो आज अवार्ड जीतना है, है? आप गांव में जाओ तो लोग बड़ी खुश हो के कहे जी मैं तो बीमार हूँ। अब किसको बीमार हो जाए इसको बताते हुए शरम आनी चाहिए वैसे तो, है? लेकिन आजकल लोग कहे जी कुछ गोली दे दो, है? कई लोग ऐसे हैं, राजेंद्र को तो पता है कि यदि वो दवाई ना खाए तो वो इसी बात की बीमार है कि मैं आजकल दवाई क्यों नहीं खा रहा हूँ, क्यों भाई राजेंद्र, है ना कमला, है? वो इसी बात से कि भाई मैं दवाई नहीं खा रही इसलिए बीमार हूँ, दवाई खाऊं तो मैं ठीक हूँ। अब वैसे लोग कहते हैं कि जी दवाई खाते हैं तो ठीक रहते हैं, दवाई नहीं खाते हैं तो बीमार, मतलब क्या ये रोगी रोगी बन, मैं तो ये अपना नाम लिखवा लेगा सबसे पहले, कह दिया मेरे लिए तो छूट होनी चाहिए 8 घंटे, ऐसे नहीं 4 घंटे योगी। लेकिन योगी का तो फिर यही होगा, योगी कौन होगा जो एक समय ही भोजन करने वाला, कितने एक, तब योगी है, एक समय सीमित आहार, खिचड़ी का ही आहार है योगियों का, और कोई आहार नहीं है। योगियों का आहार क्या है, महात्मा खिचड़ी खाते थे जैसे बहुत महात्माओं ने बताया, और योग करने वाले जैसे प्राणायाम आदि करने वाले ध्यान का अभ्यास करने वाले उनको तो खाना ही हल्का भोजन चाहिए। अच्छा जी, तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना भी क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और अवबोध माने जागना भी युक्त ही होना चाहिए, जागना भी क्या होना चाहिए, सीमित ही हो। योगः दुःखः भवति, ऐसा जो योगी है उसका ये जो ध्यान योग है ये दुःखः भवति, दुख को हनन करने वाला हो जाता है, क्या हो जाता है, दुःखानि सर्वाणि हन्तीति, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला हो जाता है ऐसा योग। कैसा योग, जो पीछे बता दिया है, योग के ही अंग बताते जा रहे हैं, कैसा आसन हो और कैसे चित्त की स्थिति हो वो बता दिया, पीछे बताया है ना, प्रशांत आत्मा विगत अभी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, चित्त प्रशांत हो, भय समाप्त हो गए हो, ब्रह्मचर्य व्रत जो परम आवश्यक है, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो क्या होगा, वासना से चित्त चंचल रहेगा ना, चलायमान रहेगा, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य, जिसका मन को संयमित करके, मच्चित्ता मत्परः सन, मेरे में चित्त लगाकर मेरे ही परायण हो करके बैठना चाहिए, ऐसा बतलाया है। और फिर ये बता दिया है कि जो अत्यधिक खाने वाले है, जो बिल्कुल नहीं खाने वाले है, जो अत्यधिक सोने वाले है या बिल्कुल नहीं सोने वाले है, तो उनको ये योग सिद्ध नहीं होता है। और जो इस प्रकार से योग करता है, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, कर्मों में चेष्टा भी युक्त ही हो, तो और युक्त ही सोना और युक्त ही जगना, तो ऐसे योगी का योग दुःखः भवति, दुख को नष्ट करने वाला हो जाता है। दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख है अज्ञान, दुख का जो मूल है, तो वो अज्ञान दूर हो जाता है ध्यान योग के अभ्यास से, चित्त समाहित होकर और सद्गुरु प्रदत्त आत्मज्ञान श्रवण करके और उसमें अपने चित्त को लगा करके जो आत्मनिष्ठा की प्राप्ति है, उसके द्वारा दुःखः भवति, सब प्रकार के दुखों को, सर्व संसार दुःख क्षय कृत योगो भवति,
संसार के सब दुखों का क्षय रूप योग उसका सिद्ध हो जाता है। संसार के समस्त दुखों के क्षय रूप वो आत्मपद को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से होना चाहिए, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, कर्मों में चेष्टा। समझ आ रहा है? आगे बढ़ें। समझ आ गया ना? युक्त ही सोना और युक्त ही जगना, नियत काल हो, अधिक नहीं हो ना, कम ही। तो आगे देखो जी, अथ अधुना कदा युक्ता भवती। तो ये कब योगी हो जाता है, कब ये समाहित तो हो जाता है, तो उसको बतलाने के लिए आगे वाला श्लोक आरंभ होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। यदा माने जिस काल में, यदा माने जब, विनियतम चित्तम विशेषेण नियतम, विशेष रूप से जब चित्त को संयत कर लिया, क्या कर लिया है, विशेष रूप से अर्थात विक्षेप का परित्याग कर दिया है सहज रूप से। वासना गलित हो गई है ना, वासना गलित होने पर चित्त सहज रूप से शांत होता है, और जब तक वासना बैठी है तब तक चित्त शांत नहीं होता, और होता भी है प्रयत्न साध्य होता है, जबरदस्ती रोक के रखने वाली बात। वासना गलित हो गई है तो चित्त जो हो गया, क्या हो गया, विनियतम हो गया, क्या हो गया, विशेष रूप से संयत हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। वासना गलित होगी तो ही हो सकता है, वासना डेरा जमा के बैठी है, है? तब तक जैसे जब तक चाबी भरी हुई तब तक दौड़ेगा, और चाबी निकल गई पूरी की पूरी तब दौड़ता नहीं है ना। देखो, जब चित्त विशेष रूप से संयत हो जाता, हो करके आत्मनि एवा अवतिष्ठते, अपनी आत्मा में ही विश्राम को प्राप्त हो जाता है, ठहर जाता है। क्या होता है, अब ये जो श्लोक आएंगे तो ये किसके श्लोक बतलाएंगे, ज्ञान के बतलाएंगे, इसके बतलाएंगे ज्ञान के। तो जब ध्यान योग के अभ्यास से चित्त क्या हो गया, विशेष रूप से नियत हो गया, संयत हो गया, और वो चित्त आत्मनि एवा अतिष्ठते, अपनी आत्मा में ही ठहर गया है, निष्प्रह सर्व कामेभ्यः, सब प्रकार की जो कामना है, दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट अदृष्ट जो भी कामनाएं हैं, उन समस्त कामनाओं से निष्प्रह, स्प्रह तृष्णा रहित तो हो गया, क्या हो गया है, दृष्ट अदृष्ट समस्त कामनाओं किसे रहित तो हो गया, तृष्णा रहित हो गया, इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं है, आत्मा में ही ठहर गया है सम्यक रूप से।
युक्त इत्युच्यते तदा, तब उसको युक्त कहा जाता है, समाहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्ता इति समाहिता तदा उच्यते, उसको समाहित कहा जाता है। जिसको स्थित प्रज्ञ कहा था, क्या कहा था? हाँ, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्वरूप में स्थित हो गई है, क्या हो गई है? ठहर गई। तो इसी प्रकार से ध्यान योग के अभ्यास से चित्त को अच्छी प्रकार संयत कर लिया है। कर्मयोग पहले हो गया, मल वासना वहां गलित हो गई है, ये देख लेना। वासना जो है वो कहाँ आएगी? वासनाएं आएगी मल में। किसमें आएगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम क्या है? ये तो वासना है, ये तो इच्छा है, ये तो तृष्णा है, ये तो आशा है। तो निष्काम कर्म से, कर्मयोग से क्या होगी? वासना गलित तो होगी। और विक्षेप जो है, चंचलता, वो किससे दूर होगी? ध्यान योग से। किससे दूर होगी? तो वासना रहित चित्त बहुत शीघ्र शांत हो जाता है। और वासना रहित चित्त को आत्मा में टिकाना सहज है। तो आत्मनि एवा अवतिष्ठते, यदा जब अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाता है, सर्व कामेभ्यः निष्प्रहासन, सब प्रकार की कामनाओं की स्प्रहा से, तृष्णा से रहित हो करके, तदा युक्तेत्युच्यते, तब उसको योगी कहा जाता है। तब क्या कहा जाता है उसको? समाहित कहा जाता है। समाय ठहरा, ये तो क्या है? समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे बढ़िए। कितनी सुंदर बात, उसकी उपमा दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं? जो इस प्रकार जिसका चित्त आत्मा में ठहर गया है, प्रशांत हो करके समस्त कामनाओं से रहित हो गया है, तो उसको उस समय समाहित कहा जाता है। तो उस समाहित पुरुष की क्या बतला रहे हैं? सादृश्यता बता रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपः निवातस्थः न इंगते सोपमा स्मृता योगिनः यतचित्तस्य युञ्जतः योगम् आत्मनः। सोपमा का सा उपमा भी कर देंगे, सा उपमा। यथा माने जिस प्रकार से, दीपह माने दीपक, निवातस्थः माने जहाँ पर वात नहीं है, जहाँ पर क्या है? वायु नहीं है, निवात। निर्गतः वातः, जहाँ पर वात नहीं है, वातवर्जिते प्रदेशे देशे, निवात में नेंगते, क्या होता है वो? हिलता। जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार से दीपक की जो लो है, ज्योति, उसी को दीपक कहेंगे है? वैसे सारे संघात का नाम दीपक बोल देते हैं, लेकिन प्रकाश कौन करता है? ज्योति प्रकाश करती है, या वो दिया प्रकाश कर रहा है, या बाती जो प्रकाश कर रही है, या घी प्रकाश कर रहा है, कौन प्रकाश कर रहा है? ज्योति प्रकाश कर रही है। ज्योति है ना, इनके संघात से जो ज्योति उत्पन्न, इनके बिना वो नहीं होगी, वो बात अलग है, पर ज्योति जो बनी है वही तो दीपक है, वही प्रकाश।
तो जो दीपक की जो ज्योति है लो निवात स्था, निवात में वायु रहित प्रदेश में न इंगते, बिल्कुल भी हिलती नहीं, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। सा उपमा स्मृता, तो योगज्ञ ही जो चित्त प्रचार दर्शी भी, जो चित्त की के विषय में समझने वाले हैं, जो चित्त के फैलाव को विस्तार को अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग ऐसी उपमा देते हैं। सा उपमा स्मृता, तो ये उपमा उनके लिए समझनी चाहिए। उन लोगों ने ऐसा चिंतिता, स्मृता माने चिंतिता, ऐसा चिंतन किया है। किन्होंने? चित्त प्रचार दर्शी भी, जो चित्त के विषय को समझने वाले जानने वाले। कहते हमारा ये विषय नहीं है, हैं वेदांतियों का ये विषय है क्या? ये विषय नहीं है। तो ये विषय क्या है, किनका है? योगज्ञ, जो ये योगी लोग है, जो चित्त के विषय में अधिक जानते हैं। क्या करते हैं? हाँ, चित्त के विषय में अधिक चिंतन करने वाले। हम तो चित्त को भी क्या करके हैं, ये चित्त है, इसको भी सत्ता देने वाला मैं हूँ, मैं इसका भी साक्षी हूँ, ये भी जड़ है, ये जड़ ही है, तो ऐसा कह करके आगे बढ़ जाते हैं सत्ता शून्य करके। हैं सत्ता महत्ता इसको देते नहीं, तो ये बेचारा अपने आप विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे किसी की तरफ ध्यान ना दो, बालक तब तक चंचल है ना, जब तक ध्यान दे रहे, ध्यान देना छोड़ दो, अपने आप क्या हो जाएगा? शांत सो जाएगा। हैं हाँ, सो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो योगज्ञ है, चित्त प्रचार दर्शी भी, उन्होंने ऐसी उपमा दी है उसके चित्त के लिए। कैसी उपमा? कि जिस प्रकार से निर्वात प्रदेश में दीपक की लो ना इंगते, बिल्कुल भी नहीं चलती है, बिल्कुल स्थिर प्रतीत होती है। तो इस प्रकार की उपमा दी है। योगिनः यत चित्तस्य, जो ऐसा जो योगी है, यत चित्तस्य संयत अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण क्या है? संयत। अंतःकरण जिसका संयत है। योगमात्मनः युञ्जतः, जो आत्मनः योगम युञ्जता, आत्म प्राप्ति रूप जो योग उसमें युञ्जता माने लगा हुआ, आत्म प्राप्ति रूप योग में जो लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? ऐसा जो योगी है, जिसका चित्त की उपमा किसके साथ दी है? दीपक। हाँ, निर्वात प्रदेश में दीपक की ज्योति जिस प्रकार से बिल्कुल भी चलती नहीं है, हिलती नहीं है, इसी प्रकार से उसका चित्त कहा गया है। कहाँ पर? उसका चित्त भी आत्मा से, आत्मा में हिलता नहीं है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही ठहर गया है। जैसे निर्वात में दीपक की ज्योति ठहर जाती है, तो ऐसा योगिनः यत चित्तस्य, ऐसा जो योगी संयत अंतःकरण वाला, आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मा में ही योग के लिए जो क्या कर रहा है, लगा हुआ। आत्मा में ही योग के लिए, प्राप्ति के लिए जो लगा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे योगम आत्मनः युञ्जतः, आत्मा रूपी योग में ही जो लगा। समझ आया? हाँ जी, समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, स्पष्ट हो गया? आगे देखो। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया,
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्र च यत्र च न यत्र उपरमते यत्र चित्तं चित्तं निरुद्धं निरुद्धं योगसेवया योगसेवया यत्र च एव आत्मना एव आत्मानं पश्यन् आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति आत्मनि तुष्यति यत्र माने जिस काल में यस्मिन् काल यत्र मतलब जिस काल में उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया जो चित्त है ना वो क्या हो गया उपरतिम गच्छति उपराम हो गया निरुद्धं निरुद्ध हो गया उपरति भी हो गया और निरुद्ध भी हो गया है उपरत तो हो गया लेकिन और जगह चंचल हो जैसे किसी बालक का चित्त कहते हैं अब इसका खेल से तो ये उपराम हो गया लेकिन मोबाइल से उपराम नहीं तो ऐसे ही जो यत्र उपरमते चित्तम जिसका चित्त जिस काल में चित्त जो है उपरति हो गया और योग सेवया निरुद्धम ध्यान योग के अनुष्ठान से क्या हो गया निरुद्ध भी हो गया एक तरह से ये समझ सकते हैं उपरति तो कर्म योग से आई है किससे आई है और निरुद्धता किससे आई है ध्यान योग से कर्म योग से उपरति आई और ध्यान योग से निरुद्ध हो गया उपरति आई है ना वासनाओं से कामनाओं से उपराम हुआ है ना काम क्रोध लोभ मोह आदि से तो किससे हुआ है वो कर्म योग से हुआ है तो जब उप यत्र माने जिस काल में चित्त उपरामता को प्राप्त होकर योग सेवया निरुद्धम योग के ध्यान योग के अनुष्ठान से क्या हो गया है निरुद्ध हो गया है बिल्कुल सर्वता निवारित प्रचारम सब ओर के फैलाव से रहित हो गया ठहर गया एक ही जगह यत्र च एवा और जिस काल में यस्मिन काल में यत्र च आत्मना आत्मानम एव पश्यन् आत्मना माने विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मना माने अपने द्वारा अपने द्वारे से अभिप्राय यहाँ पर विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा कैसा अंतःकरण है अब कैसा अंतःकरण है उपराम भी है और निरुद्ध भी है कैसा है चित्त के दो विशेषण भी है ना क्या उपरामते निरुद्ध तो उपरत और निरुद्ध सब विषयों से उपरत और सब ओर से निरुद्ध जो चित्त है ऐसा उस चित्त को कहेंगे विशुद्ध चित्त उसको क्या कहेंगे तो ऐसे विशुद्ध चित्त के द्वारा आत्मानं एव पश्यन् अपनी आत्मा को ही देखता हुआ आत्मनि एव तुष्यति और अपनी आत्मा में ही तुष्टि को संतोष को प्राप्त करता है क्या करता है आत्मनि एव तुष्यति अपनी आप में ही संतोष का अनुभव ज्ञान की स्थिति बताई इसकी स्थिति है ये ज्ञान जिस काल में यत्र माने जिस काल में चित्तम उपरमते चित्त उपरामता को प्राप्त होकर और ध्यान योग के अभ्यास से योग सेवया निरुद्धम निरुद्ध हो गया ध्यान योग के अभ्यास से निरुद्ध हो कर्म योग के अभ्यास से उपराम हो गया उपरत हो गया
और ध्यान योग के अभ्यास से निरुद्ध हो गया। जिस काल में ऐसा चित्त, ऐसा उपरत और निरुद्ध चित्त आत्मानं एवा पश्यन् अपनी आत्मा अपने स्वरूप को ही देखता हुआ आत्मान आत्मनि तुष्यति अपने आप में ही संतोष का तुष्टि का अनुभव मतलब अपने आप में ही विराजमान क्या है और संतोष का आश्रय कोई दूसरा नहीं है क्या आजकल कोई व्यक्ति है संतोष अनुकूल परिस्थिति है इसलिए आनंद आ रही तो उसके संतोष का आश्रय क्या हो गया अनुकूल परिस्थिति कोई धन किसी के संतोष का आश्रय क्या है धन है किसी का पद है किसी का परिवार है तो ऐसा नहीं है किसका संतोष का आश्रय क्या है आत्मनि एवा अपनी आत्मा ही संतोष का आश्रय अधिष्ठान आधार है दूसरा नहीं तो अपनी आत्मा में ही संतोष को अनुभव जो करने वाला है तो बाकी का तो विचार आप लोग कल सुनाएंगे बड़े दिव्य दिव्य श्लोक आ रहे हैं समझ आया ये हाँ तो ये तो स्पष्ट हो ही गया है बाकी का विचार कल कर लेंगे ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति